फेसबुक पे जो लोग हैं उनको तो ऑडियंस को दिखाइए उनको कि कितना बेहतरीन ऑडियंस यहाँ पर जमा हुआ है. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपको बताऊं कि इस साल में मार्च में इसको जैसे भी करना है कभी 2017 में फर्स्ट टाइम आप मार्च में बहुत बड़ी रैली नागपुर में हुई थी. उसके बाद में आफ्टर दैट देयर वाज अ मेजर कॉन्फ्रेंस अगेन इन अक्टूबर इन नागपुर एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलना चाहूंगी ताकि आप लोगों को दोनों की चीजों में कम्युनिकेट हो जाए. और उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज की. ये सब गतिविधियां क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि इस देश में जो संपूर्ण जाति और संपूर्ण महिलाओं के साथ जो इस देश में हो रहा है उसमें भी कुछ महिलाएं हैं जिनके साथ में घिनौना व्यवहार बहुत ज्यादा जातियां हो रही है. और इसीलिए इस देश में फेमिनिज्म बहुत दिनों से चल रहा है. इस देश में महिलाओं के अधिकार और जेंडर की बातें बहुत दिनों से चल रही है मगर बारी बारी बहुजन महिलाओं को, SC ST महिलाओं को, OBC महिलाओं को, नोमैडिक टाइप की महिलाओं को, क्रिश्चियन माइनॉरिटी की महिलाओं को अलग से अपनी कॉन्फ्रेंसेस क्यों बनानी पड़ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्कोर्स और जो बातें बोलनी चाहिए थी यहाँ पर नहीं बोली जा रही है इन महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में. साथियों, संपूर्ण अभी मैं आप कुछ एकेडमिक्स में है, एक्टिविस्ट में है, इतने से बड़े बड़े महानुभाव यहाँ पर बैठे हुए हैं. आप लोगों को इतना की जरूरत नहीं है. आई वांट टू टेल यू फ्रॉम वेयर दिस एक्सप्लॉयटेशन अकर्स. इट अकर्स फ्रॉम द स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी. मतलब ये अबनॉर्मल चीजें जो हमारे सामने आए, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मिटी का नाम है जातिवाद और उसका उद्गम है ब्राह्मणवाद से. ये दोनों चीजों में से हुई है. और ये जो इनकी आप तस्वीरें देखते हैं, कुलत देवी है, भैया रामासन अलियन काली है, बाबा साहब है, सावित्री बाई फुले हैं, इन लोगों ने अगर कुछ चीजें की है तो दो चीजें की है. यहाँ पर बताया गया आपको, रुद्र मनोरमा जी बोल रही थी, इससे पहले भी बहुत बार बोला गया कि जातिवाद का औचित्य क्या है, डिविजन ऑफ लेबर है. बाबा साहब ने इसको ग्रेटर इनइक्वालिटी बोला है. ग्रेटर इनइक्वालिटी मेरी बहुत सारी महिलाओं को इस देश की नहीं समझती वो बातें, बराबर है कि वो सिर्फ इंडस्ट्री में बोली जाती है. इसका मतलब है जातिवाद का औचित्य सिर्फ ये है कि आपसे आपके साधन और संसाधन से आपको परे रखा जाए और साधन और संसाधन से ही गुलामी को प्रस्थापित किया जाए. ये लड़ाई साधन और संसाधन की है और यही लड़ाई पेरियार, बाबा साहब, फुले साहब, सावित्री बाई, अगर वो शिक्षा के लिए मांग कर रहे थे, शिक्षा के लिए लड़ रहे थे, अगर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो अपने साधन और संसाधन, जल, जंगल, जमीन, आसमान और पूरे देश में जो सारा हमारा राज था वहां के साधन और संसाधन की बात कर रहे थे. हजारों साल से भी नहीं तो आज 70 साल हो गए हमारी महिला उन्हीं साधन और संसाधनों के लिए लड़ भी रही है तो उनको पूरी तरह से गवा भी नहीं है. इसके साथ साथ इन महानुभावों ने एक और भी काम किया था. अगर एक तरफ उनकी लड़ाई इसके लिए थी तो दूसरी तरफ उनकी लड़ाई रहेंगे या उसको छीनते ही रहेंगे या उसको अपने बलबूते पे अपने हक में लेके आने की भी बात करेंगे. ये कॉन्फिडेंस उनके लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मांगने में विश्वास नहीं करते, जो अपनी ताकत को प्रदर्शन करना चाहते, बनाना चाहते, जो नॉट ओनली बिलीव इन डिमांडिंग और आस्किंग और फीलिंग बट दे वॉन्ट टू बी इन अ कमांडिंग पोजिशन. साथियों, तो इस तरह से अभी मतलब इन कॉन्फ्रेंसेस से हमको क्या दिशा निर्देश मिल सकती है, हम लोग क्या सीखना चाहिए, हम कौन सा डायरेक्शन लेके समाज में जाए, ऐसा डायरेक्शन लेके जाए जो यहाँ का फेमिनिज्म और यहाँ का जेंडर जो एक वातावरण बनाया गया है वो हमको बताता रहा है, ऐसा डिस्कोर्स लेके जाए कि हमारा डिस्कोर्स लेके जाए. अगर पॉल फायर ने दुनिया के पूरे तमाम दर्द हुए लोगों के लिए एक फीडबॉगी बनाई है तो महिलाओं को भी अपनी फीडबॉगी बनानी है. दबे हुए महिलाओं की अपनी फीडबॉगी होनी चाहिए और वो भी है ये कॉन्फ्रेंस. साथियों, तो फिर ये बातें वहां पर आती है कि हमको कौन से आइकन्स को लेके जाना चाहिए. जाहिर है कि जिन्होंने ये दो पहलुओं पे काम किया इनके लिए पूरा जीवन उन्होंने दिया है, तब हमारे
जो इस देश में सत्ताधारी लोग हैं, 5% लोग जिन्होंने इस देश की रिसोर्सेज को हत्या कर रखा है, वही लोग जिन्होंने जातिवाद को बनाया भी है और उसको आगे भी लेके जाते हैं, वह अपने आइकन्स को आपके सामने, आपके खुद के आइकन्स को आने नहीं देते, दूसरे लाके बिठा देते हैं। अगर आपके किसी भी तरह से आए तो उनकी टीचिंग्स को, उनके 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 बताए हुए चीजों को करोड़ करोड़ के आपके सामने रखते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। साथियों, हम लोगों ने, महिलाओं ने, बहुजन महिलाओं ने इस देश में, हमारा बहुत व्यापक और बहुत दयालु दिल है। मतलब अगर इस तरह की हिंसा पूरे दुनिया में नहीं होती थी तो वहां के लोगों ने, वहां के हुक्मरान लोगों के कितने उड़ा दिए होते थे आज तक। लेकिन ये हमारा दयालु दिल है, ये हमारी मानवता है, ये हमारा कंपैशन है, ये हमारे बुद्धा का कंपैशन है, ये हमारे महापुरुषों की टीचिंग्स है, उनकी समझ है कि आज हमने आज तक वो नहीं किया, वो अभी तक नहीं किया। हमने सभी महिलाओं को लेके चले, हम सबको लेके चले। लेकिन इन लोगों ने, जो उच्च वर्णीय लोगों में महिलाएं बैठी हुई है, जो उच्च वर्णीय लोगों में पुरुष बैठे हुए, उन्होंने क्या रुख अपनाया है? हमको अगर कुछ मिला है, what we have got is only betrayal. हमको जो मिला है वो सिर्फ धोखेबाजी मिली हुई है। इन लोगों को, आप लोगों पे दया कब आती है? जब आपके ऊपर मास रेप्स हो, अगर आपके ऊपर बलात्कार हो, अगर आपके आपके हमारे रोहित में मुला, हमारे सेंथिल जैसे लोग मरे, तब उनके दिल में दया आती है। लेकिन जिन चीजों से आपको साधन और संसाधन मिलते हैं, आपका प्रतिनिधित्व, आपकी वहां की लड़ाई, आपका यूनिवर्सिटी में होना, आपका आपका पार्लियामेंट में होना, आपका हर जगह न्यायालय में होना, आपका मीडिया में होना, वो उनको गवारा नहीं है। ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे अगर इन चीजों में नहीं रहेंगे तो? फुले साहब ने क्या कहा कि आप कहीं पर भी मत रहो और लड़ाई लड़ते रहो? क्या पेरियर साहब ने कहा कि कहीं पर भी जगह मत रहो और लड़ाई लड़ते रहो? उन्होंने तो हॉस्टल में भी जगह होनी चाहिए ऐसा बताया। रिप्रेजेंटेशन का औचित्य और उसकी महानता मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत है कि जितने भी लोकतांत्रिक के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे यहाँ का पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट से लेकर यहाँ तक 5% लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता है और वो है यहाँ का ब्राह्मण और सवर्ण। साथियों, जो हमने दया दिखाई, जो हमने इंक्लूसिवनेस दिखाया, उन्होंने ये नहीं दिखाया, हमको धोखेबाजी दी है। अगर तो उनमें अगर क्या वो बाबा साहब ने प्रश्न किया था, मुझे 70 साल के बाद में वही प्रश्न करने के लिए मैं मजबूर हूँ कि इस तरह से जापान ने, सामुराई लोगों ने अपनी व्यापकता और देश के लिए अपने मताधिकार और विशेष अधिकार दे देने की बात कही, उन्होंने त्याग दिए अपने विशेष अधिकार। क्या यहाँ का ब्राह्मण सवर्ण वर्ग पुरुष और महिलाएं क्या वो तारने के लिए जरूर तैयार है, क्या महिलाएं तैयार है? यह हमको नजर नहीं आता और 3 वजह से यह मेरी फिर से मंशा बनी हुई है कि हमको अपनी लड़ाई उनके साथ के बिना ही लड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से एक तरह का विचारधारा बनाई जा रही है, 3 चीजों से बताऊंगी। आरक्षण, महिला आरक्षण बिल जब आया तब हमने सभी महिलाओं के लिए बात करी, सभी महिलाओं के लिए बात करके ये समझा कि they will ask for our representation also, they will not. जब सभी महिलाओं की बात आती है तो वहां पर जाके बैठने वाली महिलाएं तो वही रहने वाली है और then they will start asking them for 85% reservation within the reservation, it is not reservation, it is a representation, यह हमारा हक है। ये लोकतंत्र ऐसे ही चलता है, they will not wonder. नागपुर जलो की मीटिंग में जब हमारा कल्चर और हमारी हिस्ट्री की बात आती है, आशा कोटवाल को और सल्लभ अली को और इन लोगों को और वहां पर हमारी जो मित्र है सौंदर राजन दलित दीवार आई तो उनको पूरी हिस्ट्री समझानी पूरी दुनिया को इस आशा में कि यहाँ पर के लोग नहीं समझ रहे हैं, वहां के ह्यूमैनिटी में बिलीव करने वाले तो लोग समझ जाएंगे हमारी बात को। वहां पर जाके बताना पड़ा, यूएन में जाके बताना पड़ा, जिनेवा में जाके बताना पड़ा। साथियों, यह ना हमारे जो लोग आपके इतिहास के साथ नहीं है, जो लोग आपकी संवेदना के साथ नहीं है, जो लोग आपके प्रतिनिधित्व के साथ में नहीं है और वो आपके शरीर के साथ भी नहीं है, वो आपकी सेक्सुअलिटी को, आपकी यौनिकता को अपने पुरुषों के अधीन करना चाहते हैं, वो आपकी यौनिकता को वहां डिसाइड करना चाहते हैं, वो आपको किसी भी निर्णय क्षेत्र में नहीं रहने देना चाहते। तो साथियों, इतने
को ये ध्यान में रखने के लिए कि ये धोखेदारी हमारे साथ फ्री है, ये बिखरे हुए हैं, और इन लोगों के लिए अगर तो वो चाहते हैं कि हमारे आंदोलन के साथ में अगर उनको संवेदना है तो उन्होंने एक काम करना चाहिए कि इसका नेतृत्व खुद नहीं रखना चाहिए, इसका नेतृत्व महिलाओं के बहुजन महिलाओं के हाथों में देना चाहिए, इसका नेतृत्व पुरुषों के हाथों में देना चाहिए, बहुजन पुरुषों के हाथ में देना चाहिए। यह न तो होते हुए एक नया बखेड़ा शुरू किया कि दलित पैट्रियार्की की बात करें, बहुजन पैट्रियार्की की बात करें। अभी बहुत ही हाल ही एक बात हुई है, मैं इतना कहकर आपसे रजा लूंगी, तमामी नाम की लड़की ने अपनी बहुजन लड़की है और उन्होंने यह प्रश्न पूछा शशि थरूर को कि आपको मालूम है शशि थरूर कहते कि अभी मुझे पता चला कि जातिवाद क्या है, अभी उसको उनको पता चला। तो जो लोगों को इस देश में सबसे बड़ी चीज जो लोकतांत्रिक के खिलाफ है वही नहीं मालूम, वो क्या हम लीड कर सकते हैं? उनके हाथ में हम अपनी लीडरशिप दे। अभी रामटेक इंडिया में एक आर्टिकल आया है, एक लड़की ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुजन लड़की है, वो कहती है कि फेमिनिज्म की जरूरत कहां है जब अंबेडकरिज्म में ही फेमिनिज्म दर्ज है। तो साथियों ये सब बातें हैं, इनके लिए अगर इन्होंने कुछ काम करना है बहुजन समाज के लिए तो इन्होंने जाके जहां से उद्गत होता है इस शोषण व्यवस्था का उसको करना चाहिए। ब्राह्मण पुरुषों ने चौराहे पे जाके अपने जनेऊ फाड़ के तोड़ के फेंक देना चाहिए। यह न करते हुए मिस्टर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जनेऊ धारण हूं, यानी हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व, ऐसा करके हमारे को नाच बजवाते हैं। साथियों इन चीजों को समझना पड़ेगा, इनको आप समझेंगे कि ये किस तरह से एक बहुत बड़ा रैकेट जो सवर्ण ब्राह्मण लोगों ने एक हिंदुत्व के नाम पर ही बना के रखे, लेकिन हिंदुइज्म अगर है तो वह भी तो जातिवाद ही है। इन चीजों को आप समझेंगे और इस तरह से सोचने की कुछ प्रक्रिया शुरू करेंगे। इतना मैं यहाँ पर कहके रजा लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।